हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा बिहार एसएससी मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 13। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने सॉल्व कर लिया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में आपको 50 एमसीक्यू दिए जाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी स्थानीय जो निकाय है नगर पालिका की बात की जा रही है, स्थानीय शासन की संवैधानिक दर्जा, तो नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 का क जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के पी से लेकर के 243 जेड जी समाविष्ट किया गया, शामिल किया गया, और ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो याद रखिएगा 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 18 विषय दिए गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे कि संसद द्वारा विधि बनाकर के बढ़ाया जा सकता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 138 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद विधि बनाकर के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। तो आर्टिकल याद रखना 138। अगला है कि जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये जो याचिका है वो दोनों न्यायालयों में की जा सकती है, उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, यानी ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होगा, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइएगा लास्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, उसने पूर्ण कर लिया हो, कितने वर्ष की आयु अगर वो पूर्ण कर लेता है, पूरी कर चुका है, तो ये पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए महज उसको 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 93वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये जो शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी को टिक करेंगे। यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे द्वारा राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी सर्वप्रथम महाराष्ट्र में किया गया था, कब, तो 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था अम्बुड्समैन बनाने का सुझाव जो दिया गया था वो किस संस्था या समिति के द्वारा, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जानना जरूरी है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अम्बुड्समैन जो कि संस्था पहली बार 1809 में स्वीडन में गठित की गई थी, 1809 में स्वीडन में। भारत में अम्बुड्समैन को लोकपाल या फिर लोकायुक्त कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में स्थानीय संस्था अम्बुड्समैन बनाने का जो सुझाव है 1966 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नील दर्पण के लेखक कौन है। तो देखिए, नील दर्पण के लेखक जो है वो दीनबंधु मित्र, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है,
अगला है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 2010 में, शिक्षा के अधिकार को 2010 में लागू किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटेनबर्ग सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की गई थी, कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना विटेनबर्ग सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी, और इन दोनों सम्मेलनों को ट्वाइस भी कहा जाता है, ट्वाइस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, IMF और IBRD। तो यहाँ पे एक और दो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ, देख लेते हैं कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड शहर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन बर्नार्ड कोस ने किया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की स्थापना का निर्णय लिया गया, यानी ये दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी, इसलिए इनको को ट्वाइस भी कहा जाता है, ट्वाइस सम्मेलन, और दोनों को ध्यान रखें, यानी जो IBRD इसको विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत दिसंबर 1945 के तहत दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अगला है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, किस तरह की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे, ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है, ज्यामितीय क्रम में, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम याद रखना है जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी, यानी लिंगानुपात इसी तरह से काउंट किया जाता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 943। 2001 में कितना था, 2001 में ये आपका 933 हुआ करता था, लेकिन 2011 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ये हो गया 943, ठीक है, 943। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है, राजकोषीय नीति का भाग है ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर नीति, ठीक है, कर नीति, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार ये गिरफ्तार हुए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है, गोविंद घाट जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आज की इस वीडियो का लाइक्स का हम एम रखते हैं 249 लाइक्स, 249 लाइक्स आप कर दीजिए, मुझे यकीन होगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, इतना लाइक करेंगे तो ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, फिर उसके बाद नहीं लाएंगे। तो आप लोग जल्दी से कोशिश करिए कि 249 लाइक्स को कंप्लीट करें, और अपने किसी एक ग्रुप में या फिर 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करिए। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर गोविंद घाट स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं के जो है कालक्रम के अनुसार गठित हुई, तो ये हमें सजाना है। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें चौरी चौरा कांड, तो 1922 में हुआ था, आपको पता ही है। सेकेंड की बात करें तो अप्रैल हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल 1919, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919, राइट। और लास्ट में चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण के बारे में तो कौन नहीं जानता है, 1917। अब अगर हमें सजाना हो तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आपका चार आएगा, तो चार से एक ही ऑप्शंस है, तो अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्च 1919 आएगा, यानी 3 आएगा, उसके बाद 2, और लास्ट में 1922 एक, जो कि सबसे लास्ट में घटित हुआ, तो ऑप्शन सी पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों ले गया था, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों ले गया था। इसके ले जाने का कारण ये था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ये ले गया था, राइट। अगला प्रश्न,
उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए किसने कहा था कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, ये बात किसने कही थी? गेस करिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया? किस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी, ऑप्शन डी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, महालवाड़ी व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया था आप कमेंट करके बताइए। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत या फिर राजदूत है, कहीं कहीं देता है राजदूत, कहीं कहीं दूत लिखता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को? ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। अगला प्रश्न, कथन ए दिया गया कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कारण आर दिया गया है कि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया हुआ था। क्या सही होगा, राइट आंसर गेस करिए। देखिए, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, और इसका कारण यही है क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने गुप्त शासन जो प्रणाली थी उसी में कुछ संशोधन करके अपना शासन चलाया। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं में से पहले घटित हुई थी कौन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी? तो रूसी क्रांति जानते हैं हम लोग 1917 के साथ संबंधित है, अमेरिकी क्रांति 1773 और फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो सबसे पहले तो आपका यही देखने को मिलेगा अमेरिकी क्रांति, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं 1847 था, सॉरी 1857 था यार, क्या मैं बोल रहा हूँ 1857। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को ठीक करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा होगा, गेस करिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन होगा नहीं, मीथेन होगा नहीं सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑप्शन में जलवाष्प रहता तो वहाँ पे जलवाष्प को टिक करेंगे, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, राइट। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, संघ शक्ति समिति, जब बात संघ की आती है तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही होगा, अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल ये भी सही है, और नियम समिति जवाहरलाल नेहरू ये गलत है, क्योंकि नियम समिति के साथ राजेंद्र प्रसाद जुड़े होंगे, ये गलत है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे आना चाहिए। तो सही क्या होगा, केवल और केवल एक और दो, एक और दो सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करना है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, बायोगैस का मुख्य घटक बताइए कि क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, मीथेन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, जिसको मास गैस के नाम से भी जानते हैं मीथेन को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सोलर सेल में किसका उपयोग करते हैं, जो पैनल बना होता है सोलर सेल वाला, सोलर सेल कह सकते हैं जो प्लेट होता है, तो वो सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सिलिकॉन का। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? तो देखिए, विलुप्त जीवों से हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेलियंटोलॉजी जो है वो आपका विलुप्त जीवों के अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन डी। स्टील की गोली पारे में तैरती है, इसका कारण क्या है? स्टील की गोली जो है वो पारे में तैर जाती है, इसका कारण क्या है? तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि स्टील की गोली जो होती है वो पारे, मतलब उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो पारे के घनत्व से कम होता है, यानी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसी कारण से ये होता है। या फिर यहाँ पे स्टील जो है, यहाँ पे हम कील भी रख सकते हैं, यही कारण होता है। ठीक है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? सभी लोगों को पता होगा देहरादून के अंतर्गत स्थित है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि
स्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? स्टोकी नालिका, यूस्टोकी नालिका का संबंध हो जाता है कहाँ पे? ये कान के साथ संबंध होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कान के साथ संबंध है, स्टोकी नालिका कान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, बहुत बार पूछा जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध, ठीक है, किसाऊ बांध ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात कर जा रहा है किसाऊ, किसाऊ बांध परियोजना से लंबावित होंगे, तो किसाऊ बांध का संबंध किस राज्य के साथ हम यहाँ पे करेंगे? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि किसाऊ बांध यमुना के सहायक नदी टोंस जो नदी है, टोंस जो नदी है, इस पर बनाया जा रहा है, जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। इस परियोजना में 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो कल की अगर आपने साइंस की वीडियो देखी होगी, साइंस जो मैंने आपको पार्ट वन कराया था, उसमें ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, और इसी वजह से मैं इसका राइट आंसर नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग बताइए कि 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर आप नीचे गेस करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग कल की वीडियो साइंस वाली नहीं देखें, पार्ट वन, आप उसको ज़रूर देखिए, नोट्स का कलेक्शन है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें दिए थे, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है कि निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक अगर इनमें से हम देखें तो देखिए जाकिर हुसैन तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से होगा, और शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से संबंध रखते हैं, और पंडित रविशंकर के बारे में आप बताएंगे, नीचे कमेंट करिए कि इनका संबंध किससे है। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन सा था, वो कौन सा यहाँ पे घटना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का आरक्षण जो है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बन जाएगा बी डी सवारकर ऑप्शन बी, बी डी सवारकर। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो वेशनगर का गरुड़ जो स्तंभ अभिलेख है, इस यहाँ पे साक्ष्य के बारे में कह सकते हैं, ऑप्शन सी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनहो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिलिंद पनहो जो है एक बौद्ध पाठ है जो कि किस हिंद यवन शासकों पर प्रकाश डालता है, तो ये प्रकाश डालता है, कह सकते हैं मिनांडर ऑप्शन सी, ठीक है। मिनांडर एक दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक थे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ये सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में अगर परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं? तो ये क्या होता है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, और आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, अगर एक तरफ इधर से जाता है, अगर इसको हम इसमें बदल देते हैं तो वापस हम इसको इसमें बदल सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया गया? तो वो शासक कौन थे? तो अकबर थे, ठीक है, अकबर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, अकबर बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, ये चीज़ आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी शासक इब्राहिम लोधी का बाबर के हाथों पराजित होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का जो कि पतन हुआ। बाबर ने शासन बनने के पश्चात चांदी का सिक्का चलाया, हुमायूं को सिक्का चलाने का अवसर नहीं मिल पाया,
शेरशाह ने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए जिसे रुपया कहा जाता था तथा तांबे का सिक्का भी इसने चलाया था। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि मुगलकालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने दिया। अकबर ने शासनकाल के प्रारंभ में मोहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया था जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का माना जाता है। यानी मोहर नामक सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। पेब्रिन नामक निम्न में से किसका एक रोग होता है? पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग होता है बताइए। तो पेब्रिन यहाँ पे रेशम के कीट का, ठीक है, रेशम के कीट का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। पेब्रिन रेशम के कीट का एक रोग होता है। महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? गेस करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। नहीं गए तो यार अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि 249 जब तक लाइक कंप्लीट नहीं आप करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पेरुंद देवनार जो इन्होंने ही भारत वेड़वा नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया। फॉरेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम कितना होगा? एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी, जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर। दमदमा झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दमदमा झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए दमदमा झील जो पड़ता है ये आपका हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिलेगा, दमदमा झील हरियाणा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कल की साइंस में भी बताया था, तो जिन लोगों ने वीडियो देखा है तो उनको याद ही होगा, बाकी वैसे भी अगर इनको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जीवद्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म में कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पहला या फिर सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, आप गेस कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है, फिनिक्स आश्रम जो कि सबसे पुराना माना जाता है, 1904 में अस्तित्व में आया हुआ था। यहाँ पे देखिए गांधी जी 1893 में पहली बार गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया। जहाँ से इंडियन ओपिनियन निकलता था उस जगह का नाम फिनिक्स आश्रम था और ये 1904 में अस्तित्व में आया हुआ था, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, नॉलेजफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो पे लाइक्स का जो टारगेट है 249 का उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। जिस किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 199 के साथ, आपको BRSI का कोर्स और BPSC का कोर्स 249 के साथ मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन हो जाएगा तो आप अपने स्टोर सेक्शन में दिख जाएगा, स्टोर सेक्शन में जाकर के अपनी पसंद की कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।